फ्रेंड्स, जब आप किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाते हैं या फिर आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपसे NADID यानी कि नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी ID मांगी जाती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि NADID क्या होता है और आप इसे कैसे बना सकते हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको NADID बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं। जब कोई स्टूडेंट किसी कॉलेज, इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल से पढ़ाई करके परीक्षा देकर पास कर जाते हैं तो ये इंस्टीट्यूट छात्रों को डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र के साथ अंक पत्र और मूल्यांकन रिपोर्ट सहित शैक्षणिक डिग्री और सर्टिफिकेट जारी करते हैं। कागज़ के रूप में दिए जाने वाले शैक्षणिक डिग्री सर्टिफिकेट खराब होने या खो जाने का डर रहता है। भारत सरकार ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इन सभी सर्टिफिकेट को डिजिटल रूप में रखने के लिए NADID बनाया है, जहां छात्र को डिजिटल रूप में उनका सर्टिफिकेट मिलेगा और साथ ही साथ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। छात्रों की सुविधा के लिए भारत सरकार के द्वारा यह एक बहुत ही अच्छा और निर्णायक कदम उठाया गया है। तो आइए अब हम जानते हैं कि NADID आप अपना कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको nad.ndml.in वेबसाइट पर चले आना है। इसके बाद आपको ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके यहां से डेस्कटॉप साइट को टर्न ऑन कर लीजिए ताकि आपको मोबाइल में ID बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद आपको ऊपर में रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको रजिस्टर पर जाकर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा, विथ आधार और विदाउट आधार। अगर आप विदाउट आधार पर क्लिक करके अपना NADID बनाते हैं तो आपको इसे स्कूल या फिर कॉलेज से वेरीफाई करना होगा। अगर आप आधार के थ्रू अपना NADID बनाना चाहते हैं तो आप विथ आधार पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप विथ आधार पर क्लिक करेंगे आप एक नए पेज पर आ जाएंगे। यहां आपसे आधार पेपरलेस ऑफलाइन EKYC जो कि ZIP फाइल के रूप में रहता है और आपसे फाइल पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो इसे जनरेट करने के लिए आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। उसके बाद आप एक नए पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आपसे आपको अपना आधार नंबर और सिक्योरिटी कोड एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर और सिक्योरिटी कोड एंटर कर देना है। सिक्योरिटी कोड में आपको नीचे दिखाए गए कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको नीचे सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप एक नए पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आपको आपके आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP रिसीव होगा। आपको उस OTP को यहाँ पर फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद अब आपको स्क्रॉल करके ऊपर चले आना है। यहाँ आपका एक ZIP फाइल डाउनलोड होगा जिसके लिए आपको 4 डिजिट का सिक्योरिटी कोड डालना है। जब आप फाइल अपलोड करेंगे तब आपको इस 4 डिजिट के कोड को एंटर करना होगा। तो आप अपने मन से यहाँ पर 4 डिजिट का कोड एंटर कर दें। कोड एंटर करने के बाद नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपका ZIP फाइल डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको वापस पिछले वाले पेज पर चले आना है। अब आप जिस ZIP फाइल को अभी डाउनलोड किए हैं आप उसे अभी अपलोड पर क्लिक करके अपलोड कर दें। ZIP फाइल को अपलोड करने के बाद नीचे आपको फाइल पासवर्ड एंटर करने के लिए कहा जा रहा है। जब आप ZIP फाइल को डाउनलोड कर रहे थे तब आपने 4 डिजिट का पासवर्ड एंटर किया था, आपको यहाँ पर उसे फिल कर देना है। अब आपको नीचे इमेज में जो टेक्स्ट यानी अक्षर दिख रहा है आपको यहाँ पर उसे फिल कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आई विलिंगली सबमिट माई आधार पर टिक आउट कर लेना है। टिक आउट करने के बाद नीचे आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आप एक नए पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आपको सबसे पहले आपके आधार का डिटेल दिखाया जाएगा जो कि आपके आधार में है। आप यहाँ अपना डिटेल अच्छे से वेरीफाई कर लें। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। नीचे सबसे पहले एडिशनल डिटेल पूछा जा रहा है। सबसे पहले आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है। फादर नेम एंटर करने के बाद अब आपको अपने माता का नाम एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो अब आप अपने माता का नाम यहाँ पर फिल कर दें। इसके बाद अब आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करने के लिए कहा जा रहा है। ध्यान रहे कि आप जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर कर रहे हैं वो आपके फ्यूचर में भी यूजफुल रहेगा। तो आप यहां पर अपना परमानेंट मोबाइल नंबर और परमानेंट ईमेल आईडी ही फिल करें। अब आप जिस कॉलेज या इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे थे या फिर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं आप वहाँ का डिटेल यहाँ पर एंटर कर दें। सबसे पहले आपको अपना एकेडमिक इंस्टीट्यूशन टाइप सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप किसी बोर्ड से पढ़ाई किए हैं या फिर आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करेंगे।
और अगर आप अभी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लें। यहाँ और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसे अपने अनुसार चूज कर लें। इसके बाद अब आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस एकेडमिक इंस्टीट्यूट यानी शैक्षणिक स्थान का डिटेल एंटर कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का नेम सेलेक्ट करना है, तो आप नेम ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन पर क्लिक करें और अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको यहाँ प्रोग्राम या कोर्स नेम फिल करना है, जैसे कि क्लास 12th में मेरा स्ट्रीम साइंस था और मैंने बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दिया, तो मैं यहाँ पर इंटरमीडिएट ऑफ साइंस फिल कर दूंगा। इसके बाद अब आपको ईयर ऑफ ज्वाइनिंग फिल करना है, जैसे मैं बिहार बोर्ड से 2019 में एडमिशन लिया था और अभी मैं क्लास 12th में हूँ, तो मैं यहाँ पर 2019 फिल करूँगा। इसके बाद अब आपको आपका यूनिक रेफरेंस नंबर, जैसे कि आप अपना रोल नंबर, सीट नंबर या फिर PRN नंबर यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जब आप कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा रहे थे तो एडमिशन के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलता है, उसमें आपको क्रम संख्या लिखा हुआ दिखेगा, आप चाहे तो उसे भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यूनिक रेफरेंस नंबर फिल करने के बाद अब आपको अपना कॉलेज या फिर स्कूल के नेम को यहाँ पर एंटर करना है, तो आप उसे यहाँ पर फिल कर दें। स्कूल या कॉलेज नेम फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करना है, जो कि आपके फ्यूचर में लॉगिन के लिए उपयोगी रहेगा, तो आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक अपना यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लें। यूजर आईडी फिल करने के बाद अब आपको नीचे पासवर्ड एंटर करना है, जिसे आप लॉगिन करने में यूज करेंगे। ध्यान रहे कि आपका जो यूजर पासवर्ड है वह 12 लेटर या उससे कम का रहना चाहिए, अगर आप उससे ज़्यादा एंटर करना चाहेंगे तो वह एंटर नहीं होगा। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड में आपको उसी पासवर्ड को फिर से फिल कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करके टिक आउट कर देना है। टिक आउट करने के बाद नीचे सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका यहाँ पर NAD ID बन जाएगा और नीचे आपको आपका सारा डिटेल शो कर देगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और प्रिंट पर क्लिक करके अपनी ID को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अब आपको फिर से होम पेज पर चले आना है। अब आपको ऊपर लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। अब आप उस यूजर आईडी और पासवर्ड को यहाँ फिल कर दें जिसे आपने अभी बनाया था। यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करने के बाद आपको साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आप कम्प्लीटली लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप अपने अकाउंट का डिटेल देखना चाहते हैं तो व्यू अकाउंट डिटेल पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहां आपको आपके सारे डिटेल दिख जाएंगे, आधार नंबर, NAD ID, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। अगर आप अपना सर्टिफिकेट शेयर, रिक्वेस्ट या फिर क्लेम करना चाहते हैं तो आप माई एक्टिविटीज पर क्लिक करके इन सभी ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने प्रोफाइल से रिलेटेड कोई भी डिटेल एडिट करना चाहते हैं तो आप राइट साइड में एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करके अपने डिटेल को एडिट कर सकते हैं। सारा डिटेल देखने के बाद अब आप लॉग आउट पर क्लिक करके सेफ्टी के लिए लॉग आउट कर दें, तो इस प्रकार से आपका यहां NAD ID क्रिएट हो जाता है। आशा करता हूँ फ्रेंड आपके लिए यह वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।